Dear students, on the last two terms, we have learnt about the patriotic feelings of author towards the country and how children are suffering in their early age. Today, the lesson which we are going to start is Deep Water by William Douglas. So the students, let me introduce this chapter first. This story is about the extreme determination and courage of a young boy who should have surrendered after two deadly incidents. But he had not only overcome his fear, but achieved perfection. Firstly, he was developed a terror of water since childhood, but he was able to overcome his fear by determination and confidence in him. इस स्टोरी में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डीप वाटर. उसके ऑथर हैं विलियम डगलस. और ये जो बच्चा था विलियम डगलस जो ऑथर थे उनके बारे में उनको ये कहा जाता है कि उनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो स्विमिंग सीखना चाहते थे. तो ये जब अपने फादर के साथ में पहली बार कैलिफोर्निया बीच पर गए तो वहाँ जाकर इन्होंने अपने बिल्कुल स्विमिंग उसके पास खड़े हो गए थे बीच के पास. और वहाँ पर जैसे ही इनको वेव्स भिगोने आ रही थी एकदम से फादर के कंधे पर खड़े हो जाते हैं. तो वेव्स तब भी जब इनको भिगोकर चली जाती हैं तो इनको सबसे पहला डर जो पानी का था वो वहाँ से शुरू हो जाता है. दूसरी बार जब ये अपना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे थे लेकिन 10-11 साल की उम्र में फिर उन्होंने दोबारा से कोशिश की कि वो स्विमिंग पूल में जा कर के और स्विमिंग सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे. तो जब ये 10-11 साल की उम्र के थे उस टाइम पर जब ये अपनी स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए तो वहाँ अपने जैसे और बच्चों को देखकर हाथ पैर चलाना सीख जाते हैं. और एक दो दिन में धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा आने लगा था. लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो उस इंसिडेंस को ये भूल नहीं पा रहे थे और ये पूरी तरीके से इनका कॉन्फिडेंस जो था वो गिर चुका था. एक दिन जब वो स्विमिंग पूल पर पहुँचे तो वहाँ पर करीब 17-18 साल की उम्र का एक बच्चा कुछ देर में वहाँ पहुँचा और स्विमिंग पूल पर और कोई नहीं था. और वो इसको मजाक में उठा करके उस तरफ ले जाता है जहाँ पानी 9 फीट गहरा था और उसको पानी में धकेल देता है. कुछ देर तक जब ये पानी में अंदर स्ट्रगल करता है और बाहर निकल कर आने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता तो वो लड़का जब खुद स्विमिंग करने के लिए अंदर पानी में जाता है तो उसको हाथ पैर पटकते हुए देखकर वो समझ जाता है कि उसको स्विमिंग नहीं आती है. और धीरे धीरे वो उसको धकेलता हुआ उस तरफ पानी के ले जाता है जहाँ पानी कम गहरा था और उसको स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लिया जाता है. और इसको पेट के बल लिटा दिया जाता है वॉमिटिंग कराने के लिए. वॉमिटिंग करता है उसके बाद इसको रेस्ट रूम में ले जाते हैं. ये विलियम डगलस की इंसिडेंस जो था वो इतना भयानक था उनके लिए जो शायद वो अपने दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पा रहे थे. उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक पानी में जाना ही छोड़ दिया. अपने जो शौक़ थे फिशिंग के, कैनोइंग के, बोटिंग के, वो सब छूट जाते हैं पीछे. लेकिन उसके बाद में वो फिर भी स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार एक इंस्ट्रक्टर को रखे. 6 महीने तक वो लगातार इंस्ट्रक्टर को रखकर स्विमिंग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद में एक इंस्ट्रक्टर के ज़रिए जब ये कह दिया जाता है कि अब वो एक स्विमर बन चुके हैं फिर भी उनके अंदर अपने कॉन्फिडेंस नहीं आया था उसको गेन करने के लिए वो दोबारा से रिवर्स वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर अकेले जाकर स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं. वहाँ कुछ डर इनको बीच में वापस आया लेकिन उन्होंने अपना डर उस पर हावी नहीं होने दिया. और इस तरीके से जब वो स्विमिंग करते हुए रिवर्स में, कैनाल्स में जब जाते हैं और वहाँ जाकर स्विमिंग करके जब आते हैं तो लास्ट बार जब इन्होंने स्विमिंग की तो उस टाइम पर वो मान चुके थे कि अब मैं एक परफेक्ट स्विमर बन चुका हूँ और अब मैं स्विमिंग अच्छे से कर सकता हूँ. तो उनका कॉन्फिडेंस था, उनका भरोसा था उन पर और उनका डिटर्मिनेशन था जिसकी वजह से वो स्विमिंग को बार बार कोशिश करने के बाद में एक परफेक्ट स्विमर बनकर दिखाते हैं. और अब उनका कहना ये था कि अब तो मैं अगर माउंटेन्स पर भी चढ़ जाऊँ तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है क्योंकि अब कोई भी डर मेरे अंदर हावी नहीं हो सकता है या वो किसी भी डर को अपने अंदर हावी नहीं होने देंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. But after reading this chapter, we get some message.
And the message that is conveyed through this story is that it is not the death, but the fear of death that creates terror in our mind, so that fear needs to be shaken off. Somehow, author William Douglas was able to conquer his fear and determination through determination and courage. इसी तरीके से अगर हम हिम्मत से काम लें और परेशान ना हो, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। और अगर हिम्मत और साहस के साथ काम करेंगे तो शायद हम उस चीज़ से छुटकारा भी पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।